कार्ल गुस्ताव जंग ने एक जगह लिखा है कि व्हाट यू हेट अबाउट अदर्स टेल्स यू समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो इस पे अभी इससे क्या मतलब है इस लाइन का? अक्सर जिससे तुम्हें सख्त नफरत होती है उससे तुम्हें नफरत होती ही इसीलिए है क्योंकि वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। चूंकि वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है इसीलिए उसको भी वही चाहिए जो तुम्हें चाहिए, और चूंकि उसको भी वही चाहिए जो तुम्हें चाहिए इसीलिए तुम उससे नफरत करते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि जो तुम्हें चाहिए वो ऐसी चीज़ है जो बांटने से बट जाएगी, जो सीमित है और जिस पर यदि एक का कब्जा हो गया तो दूसरे को नहीं मिलेगी। बात समझ रहे? दो लोग बहस कर रहे हैं, दोनों क्या चाहते हैं? जीत। और धारणा यह है कि जीत दो में से किसी एक की हो सकती है। चाहते दोनों एक ही चीज है, क्या? जीत। दोनों एक को ही चाहते हैं लेकिन दोनों की ही धारणा है कि वो चीज दोनों की नहीं हो सकती, एक की हो सकती है, इसीलिए दोनों एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। दो पुरुष हैं, दोनों को एक ही स्त्री चाहिए। गौर से देखा जाए तो दोनों बिल्कुल भाई भाई हैं, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं क्योंकि दोनों को एक ही स्त्री चाहिए, पर दोनों को एक दूसरे से बड़ा दुश्मन कोई नहीं लगेगा, दोनों में बड़ी ईर्ष्या उठेगी। तुम्हें जिससे ईर्ष्या उठती है समझ लो तुम बिल्कुल वैसे ही हो। जो तुमसे बहुत नीचे का है उससे तुम्हें ईर्ष्या नहीं उठ सकती, उठेगी कभी? और जो तुमसे बहुत ऊपर का हो उससे भी तुम्हें ईर्ष्या नहीं उठ सकती। नौकरानी को सेठानी से ईर्ष्या नहीं होती, नौकरानी को बगैर के घर की नौकरानी से ईर्ष्या हो जाती है। जो तुमसे बहुत ऊपर का हो उससे तुम्हें कोई ईर्ष्या नहीं होती। तो जिससे तुम ईर्ष्या कर रहे हो, ईर्ष्या करके तुम यही दर्शा देते हो कि तुम बिल्कुल वैसे ही हो, और उसके जिन अवगुणों से तुम दुश्मनी रखते हो वो सब अवगुण तुम में भी हैं, इसीलिए तो तुम उसे इतने। सामने वाले में दोष दिखें और तुम में भी वही दोष हो तो नतीजा दो में से एक निकलेगा, या तो दोस्ती या दुश्मनी। समझना बात को, सामने वाले में दोष दिखे और तुम में भी वही दोष हो तो दो में से एक नतीजा निकलेगा, या तो दोस्ती होगी या दुश्मनी। तुम नशेड़ी हो, सामने वाला भी नशेड़ी है, तो दोस्ती हो सकती है अगर बहुत सारी शराब उपलब्ध हो कि चल भाई साथ साथ पियेंगे तो दोस्ती हो जाएगी, पर तुम नशेड़ी हो सामने वाला भी नशेड़ी है और बोतल एक ही है तो तत्काल दुश्मनी हो जाएगी। ये किसको मिलेगी? तुम और तुम्हारे सामने जो है अगर वो एक से ही है तो रिश्ता या तो दोस्ती का बनेगा या दुश्मनी का। ये तब है जब तुम में वही दोष है जो दूसरे में भी है, पर दूसरे में दोष है और वो दोष तुम में नहीं है तो फिर रिश्ता बनता है करुणा का। दोषी को देखकर तुम में आकर्षण या विकर्षण उठे तो समझ लेना कि तुम भी बराबर के दोषी हो, और दोषी को देखकर तुम में करुणा उठे तो समझ लेना कि तुम उस दोष से मुक्त हो। दुनिया में बहुत दोष होंगे पर अगर वही दोष तुम में नहीं है तो तुम में दुनिया के प्रति
करुणा उठेगी, तुम कहोगे बेचारा अपने दोषों से कितना परेशान होगा, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। पर जो दोष दूसरे में है वही तुम में भी है, तो या तो यारी हो जाएगी या रंजिश हो जाएगी, और यारी करुणा नहीं होती। ये जो यारी है ये थोड़े ही दिन में रंजिश में बदल जाएगी, और ये जो रंजिश है थोड़े दिन में यारी में बदल जाएगी। मैंने पिक्चर देखी है एक, तो दो उचक्कों ने एक आदमी को पकड़ रखा था लूटने के लिए, आदमी को कमरे में बंद कर रखा था, आदमी को कमरे में बंद कर रखा था, कमरे के बाहर वो दोनों भिड़ गए। क्यों भिड़ गए? कि कौन लूटेगा इसे, लूट का माल किसका होगा, समझ रहे हो? क्योंकि दोनों में एक ही दोष है। क्या दोष है? चोरी, हिंसा, क्रूरता, लालच। तो लूटने के लिए जिसको बंद कर रखा है उसको लेकर के दोनों उचक्के बाहर भिड़ गए, और थोड़ी देर में मैंने पर्दे पर देखा कि जिसको इन्होंने बंद कर रखा था वो भाग गया। वो भाग गया तो दोनों उचक्के एक हो गए, रंजिश यारी में बदल गई। वो भाग गया तो ये दोनों एक हो गए कि चल साथ साथ पकड़ेंगे इसको 50-50। अब वो भाग रहा है और पीछे मोटरसाइकिल पर ये दोनों, एक चला रहा है एक पीछे बैठा है, थोड़ी देर पहले एक दूसरे का गला काट रहे थे, गला भी इसीलिए काट रहे थे कि किसी को लूटना है, और दोस्ती भी इनमें आपस में इसीलिए हो गई कि किसी को लूटना है। ये सूत्र अच्छे से समझ लो। दोष दोष की तरफ बड़ी तेजी से खींचते हैं, कभी राग बन के कभी द्वेष बन के। मर्द भी कामुक है औरत भी कामुक है, दोनों एक दूसरे की ओर बड़ी तेजी से खींचेंगे, ये राग है। दोष दोष की ओर खींचा, इसमें भी काम दोष है, पुरुष में भी काम दोष है, स्त्री में भी काम दोष है, दोनों एक दूसरे की ओर बड़ी तेजी से खींचे, ये राग है। और कोई तीसरी स्त्री आ गई उसमें भी काम दोष है, तो ये पहली स्त्री उसका गला काटने दौड़ी, ये दोष और दोष के बीच का द्वेष है। दोष के प्रति करुणा रखो, ये तुम्हारा रवैया होना चाहिए। दोषी के प्रति करुणा, जो जितना दोषी हो उसके प्रति उतनी सद्भावना। क्या तुम जानते नहीं कि दोष के साथ कितने दुख आते हैं? तो जो दोष में जी रहा है वो तो बहुत ही दुखी होगा ना, होगा दुखी कि नहीं होगा? तो अब दुखी के प्रति द्वेष रख के क्या करोगे? दुखी के प्रति तो जरा सद्भावना रखो, दुखी के प्रति तो करुणा रखो ना।